तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? और बिग बॉस के पिछले हफ्ते के नॉमिनेटेड कॉन्टेस्टेंट थे जैद, अविनाश, मनीषा और जिया। इनमें से जिसको कम वोट मिलेगा वो जाएगा अगले हफ्ते घर से बाहर। तो नॉमिनेटेड वोटिंग की अपडेट आ गई है, जहां सबसे ज्यादा वोट मनीषा का है, फिर जिया का, उसके बाद अविनाश का और सबसे कम मिला है जैद को। यानी इस हफ्ते जैद जाने वाले हैं घर से बाहर। घर में सभी के पेरेंट्स आए, जहां घर वाले ने उनका बहुत ही सम्मान किया। लेकिन पेरेंट्स को दिया गया था एक टास्क, जहां उनसे बोला गया था कि आपको जाते वक्त अपने रिश्तेदार के अलावा किसी एक मेंबर को देना है एक स्टार। अब हम आपको बताते हैं कि किसने स्टार किसको दिया। अभिषेक की मम्मी ने एल्विस को स्टार दिया, जो कि सही था, क्योंकि उन्हें एल्विस और मनीषा में से ही किसी एक को देना चाहिए था। और एल्विस के पिताजी ने अभिषेक को दिया, ये भी ठीक था। फिर आती है जिया की मम्मी और वो स्टार देती है पूजा भट्ट को, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि उस स्टार का अधिकारी था अविनाश, क्योंकि उसने जिया की बहुत ही हेल्प करी है। फलक के जाने के बाद अगर जिया की किसी से अच्छी बॉन्डिंग बनी है तो वो है अविनाश, बट कोई ना, ठीक है। और हद तो तब हो गई जब महेश भट्ट आते हैं, बेबिका उनके आगे रोने लगती है, मुझे देना स्टार, मुझे प्लीज प्लीज मुझे देना। अरे ये स्टार भीख में लेने वाली चीज थोड़ी थी, इसको कमाना था। लेकिन बेबिका को कमाना थोड़ी आता है, उसको तो फ्री की रोटियां तोड़ने की आदत है। जैसे हाथ देखो, तारीफ करो, पैसे लो और घर जाओ। बाकी मनीषा के पिताजी ने अभिषेक को दिया, अविनाश की मम्मी ने पूजा को दिया, जो कि ठीक था। तो आपके हिसाब से स्टार किसको किसको मिलना चाहिए कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।